अज श्री करतारपुर साहब के दर्शन वास्ते तप स्थान बीबी प्रधान कौर तो जत्था रवाना हो रहा गा। यह छेवां जत्था गा जिहड़ा करतारपुर साहब के दर्शन वास्ते जा रहा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले जदों 1900 लांघा शुरू किया उस वेले बरनाले विखे काउंटर स्थापित किया गया सीगा कि संगतां जो भी रजिस्ट्रेशन करवाउणियां चाहुंदियां गईयां उन्हां नूं यात्रा करना चाहुंदियां वो श्रोमणी कमेटी वालों इत्थे सहूलत दी गई सी। सो लगातार ये जत्थे जा रहे ने। यह छेवां जत्था जिथों 125 दे करीब संगतां दो बसां राहीं ते चार छोटियां गड्डियां राहीं जा रही है। अज ये जत्था जिहड़ा जाके डेरा बाबा नानक गुरद्वारा साहब जिथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का गुरद्वारा साहब है उत्थे रिहायश का प्रबंध है। उत्थे जाके सारी संगत रुकूगी, लंगर पानी रात नूं उत्थे छकणगे। रात नूं रोक के सवेरे उत्थों 8 बजे डेरा बाबा नानक तो सवेर का नाश्ता पानी करके लंगर पानी छक के फिर टर्मीनल ते जाणगे ते फिर उत्थों दर्शन करके वापस। फ्री है जी, इहदा रजिस्ट्रेशन टोटल बिल्कुल फ्री हैगी। मतलब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये यात्रा फ्री रखी गई है ते सारा प्रबंध है जिहड़ा डेरा बाबा नानक वह भी सारा फ्री है जी। असी सरकार तो ये मंग करते हैं भी करतारपुर साहब संगत पासपोर्ट के करके घट जा रही है। ये पासपोर्ट की शर्त है जिहड़ी हटा देनी चाहिए। दोनों सरकारां नूं असी सेंटर सरकार नूं बेनती करते हैं कि पासपोर्ट आधार मन के ना इनू पासपोर्ट तो रहित यात्रा ऐलान किया जाए ते तां कि संगतां खुले तौर दे विच दर्शन कर सकन, क्योंकि करतारपुर के दर्शन करने सिख वास्ते एक बहुत ही अहम गल है। गुरु साहब ने भी बाणी च लिखिया कि करतारपुर करता बस है संतन के पास, भाव के करतार आप करतारपुर बसद, इस करके करतारपुर उस जगह का नौ स्थान का नौ रख्या गया। सो गुरु नानक साहब 18 साल उत्थे अखीरला समा उत्थे रहे ने, उन्होंने खेतीबाड़ी की है ते वो अपना अखीरला समा उत्थे उन्होंने बतीत किया गा। बदकिस्मती दे नाल 1947 दे विच इह स्थान जिहड़ा पाकिस्तान विच चला गया सीगा ते बड़ियां संगतां अरदासां करदियां सी कि सानू इस स्थान दे दर्शन होण। सो 19 दे विच जिहड़ा है इह लांघा खोलिया गया सीगा। दोनों सरकारां नाल असीं धन्नवाद करदे हां। सो कोविड करके भावें 2 साल बंद हो गया सी रस्ता, पर हुण जिहड़ा दुबारा चालू होया। इस तरह ही असीं जदों संगत 100 तो वध हो जाती है असी जत्था लैके, जदों रजिस्ट्रेशन 100 तो वध टप जाती है फिर असी जत्था लैके जाने। ये रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है थ्रू होम मिनिस्ट्री नूं जाती है, जो असी भेज देंगे होम मिनिस्ट्री जिहड़ी उस नूं अलाउ करती है। सो असी जिहड़े कुछ वो कुछ रद्द भी हो जाते हैं, जिससे इस बार भी कुछ दे नौ जिहड़े रद्द होए ने यात्रा दे, पता नहीं वह गौरमेंट जानती है, पर लगभग 95% जिहड़े यात्रियों के वीजे जिहड़े है जाने की आग्या हुई हैगी। भावें कोई वीजा नहीं है ना ही कोई मोहर लगती है पासपोर्ट पर, पर फिर भी संगतां कोल पासपोर्ट की कमी होंदी है। उस महाराज जी के दर्शन करन नूं सारी संगत का बहुत उत्साह है। सानूं बहुत ज़्यादा तह दिलों खुशी है कि असीं अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करांगे ते सारी संगत साडे नाल। तकरीबन 100 मैंबर ऐसे हैं जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सारिया संगतां दर्शन करन जा रही हैं। असी इन्हां दे भी बहुत आभारी हाँ जिन्होंने साडा इन्ना मतलब कि सहयोग दिता सानू दर्शन करन दे लई। बहुत खुशी है जी करतारपुर साहिब दा, असी पहली वारी जा रहे हैं ते एक संगतां बहुत खुशहाल नाल जा रही हैं, पर एक बेनती है भी जिहड़े लोग पासपोर्ट तो डरदे आ, कई बंदे बाहरले हुंदे आ, उन्हां नूं इह हो जांदा भी जे असी पासपोर्ट पाकिस्तान चले गए तो मोहर लग गई, सानू बाहरले देशां जाना औखा हुंदा। इस करके जिहड़ी ये पासपोर्ट की शर्त हटाई जाए तो संगत नूं वध तों वध दर्शन कराए जाए।